जिले के दीगरा शहर में मंगलवार को राजस्थानी गुजराती वैष्णव समाज की ओर से झूला उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के प्रमुख मार्गों से पालकी निकाली गई, जिसमें समाज बंधुओं सहित महिलाएं, युवा और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहर के बालाजी मंदिर से निकलकर इस पालकी ने शहर के विभिन्न मंदिरों को भेंट दी और निर्धारित मार्ग से होती हुई यह पालकी वापस बालाजी मंदिर जा पहुंची, जहाँ इस पालकी समारोह का समापन किया गया। मालूम हो कि इस पालकी समारोह को रेवाड़ी उत्सव भी कहा जाता है। इस समारोह में बड़ी संख्या में गुजराती और राजस्थानी वैष्णव समाज के नागरिकों ने की। इस पालकी समारोह के दौरान वारकरी, भजनी मंडल, डांडिया, गरबा आदि लोक कला प्रस्तुति ने राहगीरों का ध्यान आकर्षण किया। पालकी के साथ साथ भजन और नृत्य संगीत से इस झूला उत्सव की रंगत खिल उठी थी। बहरहाल इस उत्सव समारोह के बारे में श्री बालाजी लक्ष्मी नारायण संस्था के सचिव डॉक्टर मुरलीधर राठी ने NBCN न्यूज चैनल को जानकारी दी है। डॉक्टर राठी, मुरलीधर राठी बोलतोय। आज आमचा रेवाड़ी उत्सव आहे। हा उत्सव एक महिना चालतोय, मागच्या एकादशी पासून तर आजच्या एकादशी पर्यंत हा एक महिना देव आमचे ते पाळण्यात येतात। जे त्यांचे जे मुख्य गर्भगृहात असतात त्या गर्भगृहातून ते पाळण्यात येतात आणि एक महिना हा झुला उत्सव चालतो। रोज नित्य आरती पूजा वेगवेगळे कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केले जातात। या महिनाभरात येणारे जितके उत्सव आहेत, जन्माष्टमी असो, भादवाची दूज असो किंवा मग छठ असो, हे सगळे उत्सव या महिन्यात मनवले जातात मंदिरात। आणि एक महिन्यानंतर आज ह्या एकादशीच्या दिवशी देव हे गावातून परिक्रमा करून जे मुख्य देवस्थान आहे गावातील त्या सर्व देवस्थानाचे दर्शन घेऊन देव हे नदी किनारी जातात। नदीच्या पात्रामध्ये त्यांचा अभिषेक होतो आणि त्या ठिकाणी आरती केल्या जातात आणि त्यानंतर तिथून ते परत मंदिरात स्थानापन्न होण्यासाठी मंदिरात आणल्या जातात। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थानी गुजराती वैष्णव समाज बंधुओं के इस उत्सव को पालकी उत्सव, रेवाड़ी उत्सव और झूला उत्सव नाम से जाना जाता है। अपने अनेकों नाम के समान ही इस उत्सव में खुशी, हर्षोल्लास, श्रद्धा और उत्साह के अनेकों रंग इस समारोह की रौनक बढ़ाते नजर आए। NBCN न्यूज के लिए दीगरा से जुबेर खान की रिपोर्ट।